हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज के वीडियो में मैं एक ऐसे प्रोडक्ट का रिव्यू लेके आई हूँ जो आपके बॉडी पर अनवांटेड जो हेयर होते हैं, जिन्हें आप वैक्स कर करके परेशान होते हैं। हर मंथ, हर 20 दिन बाद आपको वैक्स करवानी पड़ती है। तो ऐसी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने के लिए एक ऐसे प्रोडक्ट का रिव्यू लेके आई हूँ जिसे यूज करने के बाद आप अपने हेयर को परमानेंटली रिमूव कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके आप अपने हेयर को परमानेंट रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि आपको हर मंथ वैक्स करवाने की जरूरत होती है, या फिर रेजर से, या बहुत सारी चीजों के इस्तेमाल से आप अपने हेयर को वैक्स करवाते हैं, पैर पर, हाथ पर एंड फेस पर भी काफी अनवांटेड हेयर आपके होते हैं। तो ये एक प्रोडक्ट है जिससे आप अपने हेयर को परमानेंटली रिमूव कर सकते हैं। गाइज, ये प्रोडक्ट है न्यूड का नेचुरल हेयर इनहिबिटर। जी हाँ गाइज, इसको इस्तेमाल करने से आपके ये जो अनवांटेड हेयर है किसी भी एरिया में, और धीरे धीरे आपको वैक्स करवाना की जो परेशानी है वो भी खत्म हो जाएगी इसको इस्तेमाल करने के बाद। बट गाइज, यह एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसको आप कुछ ही दिन में अपने हेयर को परमानेंट रिमूव कर दें ऐसा नहीं हो सकता, और ना ही इस तरह से कि आपने लगा लिया। तो गाइज, इसकी एक प्रोसेस है किस तरह से इस्तेमाल करना है, एंड का थोड़ा टाइम लगेगा, बट इससे आपको प्रॉफिट मिलेगा, बेनिफिट जरूर मिलेगा धीरे धीरे आपके। गाइज, इसको इस्तेमाल करने से क्या होता है, आपके जो हेयर होते हैं वो धीरे धीरे करके, धीरे धीरे एकदम से नहीं जाते हैं, धीरे धीरे आपके पहले पतले हेयर आते हैं, दूर दूर हेयर आने लगते हैं, बट पहले के अनुसार आपके हेयर की जो क्वालिटी होती है वो डाउन हो जाती है और आपके हेयर धीरे धीरे करके खत्म हो जाते हैं। बहुत ही थिन पतले पतले हेयर आते हैं, छोटे छोटे एंड काफी दूर दूर आते हैं। और ऐसी तरह से रेगुलर यूज करने से धीरे धीरे आपके जो हेयर होते हैं उनकी क्वांटिटी, क्वालिटी सब कुछ खत्म हो जाती है, और धीरे धीरे आपके जो हेयर होते हैं वो फिनिश हो जाते हैं, एंड आपको फिर वैक्स की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। और इसको इस्तेमाल करने से फिर आपको वैक्सिंग की बहुत जरूरत नहीं पड़ी। तो जो परमानेंट हेयर सॉल्यूशन आपको चाहिए तो उसी के लिए ये प्रोडक्ट है। सो गाइज, हम जान लेते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में कि किस तरह से आपको इसे यूज करना है। सो गाइज, इस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी इस पर ही दी गई है, सब कुछ इस पर दिया हुआ है। बाकी मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बता देती हूँ, ये किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है। सो गाइज, सबसे पहले ये न्यूड का नेचुरल हेयर इनहिबिटर है आपके हेयर को परमानेंट रिमूव करने के लिए। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, परमानेंट फ्रीडम फ्रॉम फ्रीक्वेंट हेयर रिमूवल फॉर अनवांटेड बॉडी हेयर। बॉडी के किसी भी पार्ट पर अनवांटेड हेयर हो जिन्हें आप हटाना चाहती हो और रिमूव करना चाहती हो, तो ये उसी के लिए हेयर इनहिबिटर, हेयर रिटार्डर। एंड गाइज, आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या है। तो परमानेंट हेयर ग्रोथ रिडक्शन, आपके हेयर को परमानेंट रिड्यूस करता है, खत्म करता है, रिमूव करता है। नो मोर अनवांटेड बॉडी हेयर, मिनिमाइज नीड फॉर हेयर रिमूवल, स्मूथ स्किन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, पेनलेस एंड सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स, ऑल स्किन टाइप्स के लिए, एंड इससे कोई पेन वगैरह नहीं होता है, पेनलेस है। एक लोशन की तरह इस्तेमाल करना है, क्रीम की तरह, तो उसमें कोई भी पेन वगैरह तो है नहीं, आप पढ़ सकते हैं इस पर। एंड गाइज, जो इसकी जो पैकिंग है, इस तरह से पैक किया हुआ है, एंड इसकी पैकिंग मुझे काफी पसंद है, बहुत अच्छी लगी। सबसे ज्यादा मुझे इसमें इसकी पैकिंग पसंद आई, तो काफी अच्छी तरीके से इसे पैक किया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से पैकिंग काफी अच्छी है, एंड इसकी जो प्राइस है वो 1499 है, मतलब प्राइस थोड़ा ज्यादा है, बट आपके परमानेंट हेयर रिमूवल क्रीम है तो इतना तो होगा ही। तो अगर आपको परमानेंट छुटकारा मिलता है तो आपके लिए बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये 1500 समथिंग है, लेकिन आप अगर आपको उसको परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, आपको कोई डिस्काउंट भी मिल सकता है अगर होगा तो। एंड गाइज, आप इसकी पैकिंग देख सकते हैं, मैं इसकी पैकिंग खोल के, इसकी पैकिंग काफी अच्छे तरीके से की हुई है, बहुत सुंदर मुझे इसमें इसकी पैकिंग सबसे ज्यादा लगी है। तो आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर, किस तरीके से इसकी पैकिंग की गई। ये कांच की बोतल है, आप थोड़ा सेफली रखें, और इसमें पंप है, इसकी हेल्प से आप इसमें से निकाल सकते हैं एंड इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको किस तरह से ये यूज करना ये भी इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है। न्यूड हैज टू बी यूज आफ्टर रिमूविंग हेयर थ्रू वैक्सिंग, हेयर रिमूवल क्रीम और शेविंग। आफ्टर हेयर रिमूवल द स्किन पोर्स आर ओपन्ड विथ मेक्स वे फॉर न्यूड टू पेनेट्रेट डीप इन टू द स्किन थ्रू पोर्स विद इट्स PDR टेक्नोलॉजी। न्यूड स्टॉप द हेयर ग्रोथ एक्टिविटी एट हेयर फॉलिकल लेवल।
तो इस तरह से आप इसे इस्तेमाल करें। एंड फर्स्ट आपको क्या करना है, सबसे पहले इस पर लिखा हुआ है, फर्स्ट रिमूव हेयर फ्रॉम द डिजायर एरिया ऑफ बॉडी पार्ट, टेक इनफ क्वांटिटी ऑफ न्यूड एंड अप्लाई ऑन द बॉडी पार्ट, मसाज जेंटली लाइक अ मॉइस्चराइजर यूनिट, इट इज अब्सॉर्ब इन साइड स्किन, इन केस ऑफ वैक्सिंग यूज ट्वाइस डेली फॉर 5 डेज आफ्टर एवरी वैक्सिंग सीजन, इन केस ऑफ हेयर रिमूवल क्रीम ऑफ सेविंग यूज न्यूड डेली, एंड फॉर एक्सटर्नल यूज बॉडी अवॉइड आई कॉन्टेक्ट, आई कॉन्टेक्ट को आपको अवॉइड करना है, आईज के पास ज्यादा ना लगाए इसे, डोंट यूज ऑफ पिलेड और इरिटेशन स्किन, इरिटेटेड स्किन एरिया, स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस, कूल एंड ड्राई प्लेस पर आप इसे रख सकते हैं, डू अ पेस्ट टेस्ट बिफोर यूजिंग रेगुलरली। एंड गाइज आप इसे इस्तेमाल करते हैं, आप इसके फेस पर इस्तेमाल कर सकते हैं, हैंड पर, लेग पर, बॉडी के किसी भी एरिया पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां भी आपको अपने हेयर को परमानेंटली रिमूव करना है उस जगह आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बट गाइज फेस पर इस्तेमाल करने से पहले आप बॉडी के किसी पार्ट में इसको अप्लाई करके देख लीजिए, बिकॉज सारे प्रोडक्ट होते हैं वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बहुत प्रोडक्ट होते हैं जो हर किसी के पर वर्क नहीं करते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप सबसे पहले इसको टेस्ट अपने स्किन के किसी और पार्ट पर करें और उसके बाद ही आप इसे अपने फेस पर इस्तेमाल करें, तो ये आप ध्यान रखें। एंड गाइज आपको इस्तेमाल किस तरह से करना है इस पर लिखा हुआ है, एंड आपको इसे इस्तेमाल करने के लिए जो आपकी बॉडी पर जो हेयर होते हैं इस तरह से आपको उन पर सबसे पहले वैक्स करना है, वैक्स करने के बाद आपको वैक्स करना है बॉडी पर किसी भी तरीके से करें, आप रेजर यूज करते हैं या पार्लर से वैक्स करवाते हैं, खुद वैक्स करते हैं, तो उस तरह से आपको अपने बॉडी पर किसी पार्ट पर आपको वैक्स करना है, हेयर को सारे को रिमूव करना है। आफ्टर दैट आपको इसमें से थोड़ा सा क्रीम लेना है हेयर रिमूव करने का, वैक्सिंग करवाने के बाद और धुलने के बाद आपको इसमें से थोड़ा सा क्रीम लेना है इस तरह से, एंड आपको इसे उस एरिया पे अप्लाई करना है जहां से आपको हेयर रिमूव करने हैं इस तरह से। एंड गाइज इसकी फ्रेग्रेंस काफी अच्छी है, जिसकी खुशबू जो थी वो बहुत पसंद आई मुझे, बहुत अच्छी थी, एक कमाल की फ्रेग्रेंस निकलती है इसमें से, तो आपको वैसे खुशबू के लिए देखा जाए तो बहुत पसंद आएगी यार। जब आप वैक्स करवाते हैं तो आपके बाल निकलते हैं, तो आपके जो पोर्स होती हैं वो खुल जाती हैं, और फिर जो ये क्रीम होता है आप इसे अप्लाई करते हैं तो जो पोर्स इस क्रीम को ऑब्जर्व कर लेते हैं और उसी से आपके धीरे धीरे हेयर रिमूव होना शुरू हो जाते हैं, हेयर की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। एंड गाइज आप इसे जैसे ही आपके बाल जो होते हैं वो जब दोबारा आ जाते हैं धीरे धीरे आप वैक्स करवाने कुछ दिन बाद आपके बाल दोबारा आ जाएंगे, तो आप इसे अपने बालों के ऊपर इस्तेमाल नहीं करना है, आपको फिर से वैक्स करना है एंड उन हेयर को रिमूव करना है। जैसे ही आपके बाल आते हैं आपको उन्हें रिमूव कर देना है वैक्स के द्वारा, रेजर के द्वारा रिमूव करने के बाद फिर आप इसे इस्तेमाल करें, बालों की ग्रोथ हो और आपको वैक्स करना है एंड उसके बाद आपको इस क्रीम को उस पर इस्तेमाल करना है। एंड ग्रोथ होने के बाद आप इसको इस्तेमाल करते रहे तो वो नहीं ठीक होगा, क्योंकि जब बाल हैं बालों के ऊपर आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कैसे काम कर सकता है। सो गाइस इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको वैक्स करते रहना पड़ेगा, आपके बाल जैसे ही आते हैं आप उसको वैक्स के द्वारा साफ करें एंड आप फिर इस क्रीम को इस्तेमाल करें। आपको लगभग 3 मंथ तक तो आपको इसको इस्तेमाल करना ही है एंड धीरे धीरे आपके जो बालों की ग्रोथ होगी वो कम हो जाएगी, या बाल आपके दूर दूर आने लगेंगे, आपका परमानेंट हेयर रिमूवल हो जाएगा। सो इस तरह से आपको इस्तेमाल करना है इसे, इस पे सब कुछ मेंशन किया हुआ है। एंड गाइज आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, अगर परचेस करना चाहें तो वहां से परचेस कर सकते हैं। सो गाइज ये था आज के इस न्यूड नेचुरल हेयर इनिबेटर का रिव्यू, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे मेरे आने वाले वीडियो से नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए।